गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंग्लिश विद रोहित। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं मोटिवेशनल, एजुकेशनल एंड इंग्लिश लर्निंग वीडियोस। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ये बताना बिल्कुल न भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंग्लिश विद रोहित। आज हम सीखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्रेंड्स, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को सीखते समय एक बात जरूर ध्यान रखना, आप इससे पहले के दोनों टेंस की वीडियो जरूर देखना जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, ताकि आपको तीनों टेंस में क्या रिलेशन है बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, आपको कोई डाउट ना रहे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो फ्यूचर परफेक्ट की पहचान है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आया होगा, गया होगा, खाया होगा, पिया होगा, लड़ाई की होगी और धक्का मारा होगा। तो ऐसे अगर हम थोड़ा सा मजाक मजाक में सीखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। एक बार रिपीट कर लेते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आया होगा, गया होगा, खाया होगा, पिया होगा, लड़ाई की होगी और धक्का मारा होगा। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इस टेंस में हम विल शैल के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, और आपको पता है कि परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो विल शैल हैव के बाद आपको थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो स्ट्रक्चर है हमारा सिंपल एफर्मेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और अगर हम किसी सिंपल स्ट्रक्चर को नेगेटिव बनाते हैं तो बस हमें नॉट का प्रयोग करना होता है थर्ड प्लेस पे। तो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, यहां पर भी एक डाउट होता है बच्चों को, वो क्या करते हैं कई बार विल शैल के साथ हैव लगाते हैं उसके बाद नॉट लगाते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। ध्यान रखना है जब भी नेगेटिव सेंटेंस बनेगा तो विल शैल हैव के बीच में नॉट का प्रयोग करना है, ना कि विल शैल हैव के बाद नॉट का प्रयोग करना है, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में विल शैल सब्जेक्ट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में विल शैल सब्जेक्ट थर्ड प्लेस पर नॉट और हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। चलिए पहला एग्जांपल लेते हैं, वह पत्र लिख चुका होगा। वह हमारा सब्जेक्ट है, लिखना हमारी वर्ब है और पत्र हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अगर इसको अरेंज करें इस पैटर्न में तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ही विल हैव रिटन अ लेटर, मतलब वह पत्र लिख चुका होगा। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसी स्ट्रक्चर में थर्ड प्लेस पे नॉट को रख दें, ही विल नॉट हैव रिटन अ लेटर। अगर आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं क्या वाला, तो विल ही हैव रिटन अ लेटर। अगर आप नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाते हैं तो विल ही नॉट हैव रिटन अ लेटर, विल ही नॉट हैव रिटन अ लेटर। ध्यान रखें इसमें भी आप विल शैल, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद थर्ड प्लेस पर नॉट और उसके बाद हैव लगाना है, ठीक है। हमने पहले सीखा था कि विल और शैल का प्रयोग हम कैसे करते हैं, आई और वी के साथ हम शैल लगाते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट आई वी को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आप सबके साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं, आजकल विल का प्रयोग ज्यादा होता है, तो अगर आपको ज्यादा टेंशन लगती है तो आप सभी सेंटेंसेस में सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव का प्रयोग कर सकते हैं, बट इसका यूज स्पीकिंग में ज्यादा होता है। अगर आप रिटन में थोड़ा ध्यान रखेंगे, आई वी के साथ शैल लगाएंगे, तो दैट विल बी बेटर फॉर यू। आई थिंक आपको ये टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं एक बार आपसे फिर बोलूंगा कि अगर आपको परफेक्ट टेंस को अच्छे से समझना है तो बाकी के दो टेंस की वीडियो भी देखें, और एक हमारी वीडियो है जिसमें हमने तीनों टेंस को कंपेयर किया गया है, उसको जरूर देखें। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, बाय बाय। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सकें, और नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि हम और मेहनत करें और बेटर वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई एनर्जी और नए जोश के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।